बार फिर सफलता हाथ लगी है, जहां मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश के दो अन्य साथी मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार तीन बदमाश एक व्यक्ति से 5000 रुपए छीनकर भाग रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस टीम ने बदमाशों का पीछा किया। अपने को घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, साथ ही पुलिस अन्य बदमाशों की तलाश में जुट गई। थाना ननोता में एक मोटरसाइकिल सवार तीन व्यक्तियों के द्वारा जो है एक वसीम नाम के बंदे से 5000 छीन के भागने की प्रयास किया गया था। उसी दौरान वहाँ पे गश्त कर रहे जो थाने के जो कर्मचारियों के द्वारा उन्हें पकड़ने हैं तो दौड़ाया गया है। उसमें मोटरसाइकिल चौड़ के कुछ लोग खेत के अंदर घुसने की प्रयास किए हैं। ऐसे उसी दौरान पुलिस वालों पे गोली भी चलाया, सेल्फ डिफेंस में पुलिस कर्मचारियों ने भी गोली चलाया, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी है, बाकी दो लोग भागने में सफल रहे हैं। उनको तत्काल हिरासत में लेकर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हेतु भेज दिया गया है। उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। जो भागे हुए अन्य दो अपराधियों को पकड़ने हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है।